हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे से ही होंगे और मैं भी अच्छे से ही हूँ। और मैं काम से हो गई हूँ फ्री, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्यों आप लोगों से भी मिलना ज़रूरी रहता है। और है दोपहर का टाइम, फ़िलहाल मैं हूँ अकेली, तो मैं अपने लिए क्या बनाऊँ सोच रही हूँ काफ़ी देर से। तो कुछ बनाऊँगी हल्का फुल्का, और बच्चे गए हैं कॉलेज, तो बच्चे जब आ जाएंगे तो बच्चों के लिए भी बनेगा कुछ, उनके साथ भी थोड़ा शेयर कर लेंगे। तो अपने लिए कुछ हल्का सा बनाती हूँ और बना करके मिलती हूँ मैं आपसे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने बनाया है मोटा सा एक प्याज का पराठा, क्योंकि अकेले बनाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। बच्चे होते हैं तो मन से बनाओ और खाओ भी, और बच्चे आ जाएंगे जब उनके लिए कुछ बना देंगे, और मैं खाऊंगी इस प्याज के पराठे को। तब तक फिर आपसे मिलती रहूंगी आगे। तो शाम के बज गए हैं 4, और कुछ समझ में ना नहीं आ रहा था अभी, चाय वगैरह भी नहीं पी, शाम का जो हल्का फुल्का कुछ खाते पीते हैं, तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी काट लें। सब्ज़ी कटी रखी होगी तो किसी भी टाइम फटाफट बना देंगे, इसलिए मैं काट रही हूँ प्याज। और खाने में आज बनाऊँगी मैं तोरई की सब्ज़ी, लोहे की कढ़ाई में बहुत टेस्टी बनती है। मैं कढ़ाई में बनाऊँगी आज तोरई की सब्ज़ी। सब्जी कट कर तैयार है, अब बस इसे बनाना बाकी है। ड्यूटी के लिए रेडी, जाओ भाई जल्दी जल्दी। सामान रख लिया सारा? ये कागज किसी में डाल लो, पोलोथीन ले लो या बैग ले लो कोई। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है और फिलहाल नाश्ते में बन रहा है दलिया और सब्जी वगैरह। रोटी बन गई है थोड़ी सी, क्योंकि वो चले गए हैं ड्यूटी खा करके, और बच्चों के लिए बनेगा दलिया। हमारे यहाँ पे फ्रेंड आज गर्मी इतनी है कि कुछ काम करते मन नहीं हो रहा है। किचन में जाते हैं बार बार, फिर बैठ जाते हैं आकर के, क्योंकि आज कुछ हमें ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। फिलहाल है ही गर्मी लग क्या रही है, तो आज हमने अपना कूलर भी निकाल लिया है, क्योंकि एसी में तो एक ही कमरे में ठंडक होती है, तो कूलर से पूरे घर में ठंडक हो जाएगी। तो अभी इसमें पानी डालेंगे। ये दलिया बुन रहा है, इससे मूंग की दाल और सोयाबीन डालकर बनाएंगे अभी नाश्ते में। 2 hours later भाई ये बन रहे चावल, अब दोपहर का खाना। आज दोपहर में बनेंगे चावल और रायता बना है लौकी का, वो उसके साथ चावल खाएंगे। लौकी का रायता ये रहा, अभी इसे जीरे का तड़का लगाएंगे इसमें। बाकी चावल अभी भिगो के धो के अब बनने रखेंगे। एक सीटी आए बंद कर देंगे। हेलो फ्रेंड, तो शाम के बज गए हैं 5 और मैंने खाना खा के किया थोड़ी देर रेस्ट, तो अब उठ गए हैं। और आज मुझे बनानी है कढ़ी, तो मैं फटाफट किचन में चलती हूँ और कढ़ी की स्टार्टिंग करती हूँ और आपसे मिलती रहूँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकल के देखें, पर बाहर तो बिल्कुल आग बरस रही है, इतना गर्म गर्म लग रहा है आने में बाहर आ करके, क्योंकि दोपहर में निकलते ही नहीं, बिल्कुल बाहर अंदर ही रहते हैं पैक। किसी कोई ज़रूरी काम हो जब ही निकलना होता है। और ये देखो मैंने प्लास्टिक की बोतल में ये पौधा लगाया था, कितना अच्छा चल रहा है। ये तो बेचारे कहीं भी चल जाते हैं, इन्हें कहीं भी लगा दो। लगाया छोटा सा मनी प्लांट टेबल वगैरह पर रखने के लिए, इसका ये गमला है। क्या लेके आई हाथ में? फ्लावर्स। देखे किस पौधे के हैं? बोगनविलिया। अच्छे लग रहे हैं। खा लो चावल बने रखे, रायता बना रखा है। रायता।
तो मैं पहुंच गई हूँ किचन में अपनी कढ़ी की स्टार्टिंग करने के लिए। ये रहा मेरा मट्ठा, हमारी पड़ोसन आंटी ने दिया था हमें, उसकी मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो आज मैं कढ़ी थोड़े नए स्टाइल से बनाऊंगी फ्रेंड। आज मैं बेसन और ये मट्ठा मिक्स करके और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर पहले ही इसे गैस पे खौलाऊंगी काफ़ी देर तक। और जब इसमें ऑयल आ जाएगा पकौड़ी मैं अलग से बना के डालूंगी या जो ऊपर से, अब तड़का भी अलग से लगाऊंगी। वैसे मेरा प्रोसीजर था कढ़ी बनाने का कि मैं पहले पकौड़ी बनाती थी, बाद में कढ़ी और तड़का लगाती थी पहले ही, लेकिन आज मैं सारा काम बाद में करूँगी। पहले इसे बेसन को मिक्स करके भगौने में रख दूँगी, आज भगौने में बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी मैंने बनने के लिए रख दी है, अब मैं इसकी अलग से पकौड़ी बनाऊंगी। ये तो सर उठो, कितना टाइम हो गया, सो गए तो सो गए, नहीं सो गए तो उठोगे नहीं है, वीडियो बन रही, उठ जा। तो ऑयल हो गया है तेज गरम, अब मैं बनाती हूँ फटाफट पकौड़ियाँ। और इधर हमारी कढ़ी बन रही है, छोटी छोटी बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाएं, अच्छी नहीं लगती ज़्यादा बड़ी। खाली हाथों का ही बना, रायदान में एक बार में पूरी सारी बन जाती है, कढ़ाई भी कम बनती है। रहन दो, हम धो लेंगे मोन का रहन। सब्जी नींबू वाली ने नींबू नहीं दिए थे तो वो मेरा चेहरा तो जान दी है। तो भाई प्रभ्या आई थी हमारे घर पे खेलने और इन्होंने सुन ली कूलर की आवाज़, तो ये इतना डर गई है कूलर की आवाज़ से। पहले तो ये गोदी में सिर रख के रही, इनने बिल्कूल सिर नहीं उठाया, फिर मैं गई बालकनी में लेकर, तो वहाँ थोड़ा सही हुई है और अभी भी बिल्कुल शांत है। प्रभ्या प्रभ्या क्या होगा, ऐसा क्यों कर रहे बेटा, कूलर से नहीं डरते ना, खेल लो, क्या होगा। उसने सुनी नहीं आवाज, वो एसी में रहती है। Two hours later. के काम से थोड़ा फ्री होकर बैठे थे तो ये आ गए जल्दी ड्यूटी से, और घर में कुछ सामान नहीं है बिल्कुल भी, मंथली जो आता है, और आज हो गई है कितनी 18 तारीख, तो मैंने सोचा मार्केट चलकर कुछ सामान ले आते हैं। तो मैं जा रही हूँ, फिलहाल अभी बंद तो नहीं हुई होगी मंडी, देखते हैं जा कर के। तो मैं आई थी अनाज मंडी में सामान लेने के लिए, घर का कुछ जो मंथली सामान जाता है, और काफ़ी रात हो गई है, शॉप भी बंद होने लगी है, पर हम लोगों की वजह से लोग रुके हुए हैं, इन्हें भी घर जल्दी जाना है। और तो फाइनली अब घर को चल दिए हैं सामान लेके, रात काफ़ी हो गई है। तो भाई ये देखो आज आया इतना सारा सामान, और अब इस कट्टे में थोड़ा सा नहीं, अब नहीं बचा कुछ, इतना ही है बस। देखो भाई ये शॉपिंग करके लाई हो, क्या लाई हो शॉपिंग करके आज, ये खाने पीने, हम लोग इतना खा जाते हैं महीने में, देख लो महीने भर का राशन है ये, देख लो। अभी और दुकान से आता रहेगा चुटुर चुटुर वाला, वो अलग, अभी छोटा मोटा सामान अलग आएगा, इतना महीने का आई है, देखो नीचे पूरे पैकेट के पैकेट ही लगे पड़े हैं। चलो